निवेदन है कि हमारे साथी कर्मचारी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। सर उनको तो डॉक्टर ने जवाब ही दे दिया सर, कैंसर के मरीज हैं। आज बड़ी मुश्किल से हमको यहाँ पेश किया है। इनको डॉक्टर ने 6 महीने की मोहलत दे दी, 6 महीने में इनके साथ कुछ भी हो सकता है। आज सर इनकी 2 छोटी-छोटी बच्ची है। सर ऐसे ही यूनिवर्सिटी हमारे साथ करती रहेगी तो हमारे जीवन निर्वाह ऐसे होता रहेगा। सर याचिका लगाई गई थी और फिर से टाइम खींचा गया था सर। यह हर बार यूनिवर्सिटी हमारा टाइम इसी तरह खींचती है, हमें एम्प्लॉय मानने को तैयार नहीं है। आर्थिक तंगाई झेल रहे इतनी महंगाई को देखते हुए। सर पिछली डेट पर भी हम तो उपस्थित हुए थे स्ट्राइक के बावजूद भी, मगर यूनिवर्सिटी से कोई नहीं आया था सर। सर हमारे डायरेक्टर सर आए। सर लेबर कोर्ट में भी सर जी सर सर निवेदन है कि हमारे साथी कर्मचारी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। आज बड़ी मुश्किल से हमको यहाँ पेश किया है। इनको डॉक्टर ने 6 महीने की मोहलत दे दी, 6 महीने में इनके साथ कुछ भी हो सकता है। आज सर इनकी 2 छोटी-छोटी बच्ची है। सर ऐसे ही यूनिवर्सिटी हमारे साथ करती रहेगी तो हमारे जीवन निर्वाह ऐसे होता रहेगा। सर सर लेबर कोर्ट में भी हमारा एक्स पार्टी केस घोषित हुआ था जिसकी पुनर्सुनवाई के लिए याचिका लगाई गई थी और फिर से टाइम खींचा गया था। सर यह हर बार यूनिवर्सिटी हमारा टाइम इसी तरह खींचती है, हमें एम्प्लॉय मानने को तैयार नहीं है। हमारा वेतन न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं किया गया सर और न ही हमको एरियर दिया गया अभी तक। सर उसमें मेरा सिर्फ ये कहना है कि कैविएट दायर की थी और उस कैविएट को दोनों पक्ष ने सुन के ही स्टे दिया गया। सर निवेदन है कि आपके द्वारा भी कहा गया था कि जैसे अभी कोर्ट का आदेश भी दिया गया है कि माह अप्रैल से दिया जाए न्यूनतम वेजेस, लेकिन अभी तक हमें न्यूनतम वेजेस नहीं दिया गया है और ना ही अक्टूबर 14 से अंतरराशि का भुगतान किया गया है। आपसे निवेदन है सर इस स्टे को खारिज किया जाए और केस्ट को भी खारिज किया जाए सर और हमें हमारा हक दिया जाए। सर कुछ लोग हमारे साथी जो है वो रिटायरमेंट के करीब आ गए सर और आर्थिक तंगाई झेल रहे इतनी महंगाई को देखते हुए हमारे साथी गणों की मदद की जाए सर। हमारा समय भी बार बार यहाँ आते तो हमारी वहाँ एब्सेंट लगती सर का हमारे ऑफिस में। सर उनको तो डॉक्टर ने जवाब ही दे दिया सर, कैंसर के मरीज हैं। कम वेतन में सर जीवन निर्वाह करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। एजुकेशन इतना महंगा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सर। सर इतनी कम सैलरी में हमको वकील को भी फीस देना पड़ती है सर। हम सबसे काउंटी लेकर वकील को भी फीस देते हैं, सारा फोटो कॉपीज वगैरह सारा भुगतान करना पड़ता है सर। जी हम 3 क्लास है और सभी 4th क्लास में भी सर, क्लास 3 में भी है सर। 33 कर्मचारी है सर हम। वेतन वृद्धि नहीं मिल रही आपको? नहीं सर, हमको न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा कलेक्टर रेट का। कितने साल से काम कर रहे हैं सर? हम 2007-08 से लगे हुए सर, कोई 2007 में कोई 8 में, और हमारे साथ के कुछ लोगों को सर परमानेंट कर दिया गया सर, उनको संविदा पे करके उनको परमानेंट भी कर दिया गया। परंतु हम लोगों के लिए हमेशा यूनिवर्सिटी कहती है कि अब वो आदेश तुम्हारे लिए पर लागू नहीं होता सर। नियम कर्मचारी के लिए बहुत नियम लग जाते हैं कि नियम में आप लोग नहीं आते, लेकिन अधिकारियों के लिए कोई भी नियम नहीं होता है। अभी हाल ही में 10 मार्च को हमारे यहाँ एक रेक्टर के पद पर कार्यरत डॉक्टर अशोक शर्मा को सेवानिवृत्त किया गया, उसके बाद में उनको वापस सेवानिवृत्त किया गया सर। सर उनके रिटायरमेंट के बावजूद उनको फिर से पुनः रखा गया सर। हम सबका आपसे यही निवेदन है कि हमें हमारा हक दिलाया जाए सर। सालों से हम इस संस्था में कार्य कर रहे हैं। इनको मिनिमम वेजेस देने में क्या प्रॉब्लम सर? एक्चुअली इनकी नियुक्ति आवरली बेसिस पे हुई है और जो भी मतलब सैंक्शन है वो आवरली बेसिस पे हुई है और वो काम पे आते हैं। ये 5 से 6 घंटे काम करते हैं और महीने में 120 घंटे वगैरह कुछ इनका 125 घंटे। एक्चुअली अब ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने किया हुआ है तो इनमें से कुछ 2007 से भी है, उसके बाद से भी है, कुछ लोग 2018 से भी है। सरकार का तो आदेश है कि सबको स्थायी करने की कोशिश करना है, जितने भी वेजर हैं। अब पहली बार सुन, अब मैं इतना आर्गुमेंट तो करने रेट भी नहीं देते आप। मैं देखिए वो हमारे वकील ही कर पाएंगे, मतलब ये सारे आर्गुमेंट कहते थे कि स्टे बढ़ा दिया जाए तो जरूरी नहीं कि हाई कोर्ट ऐसे बढ़ा दे, जब तक आप केस बताएंगे नहीं। पीछे लिखा है नाम वही सर, सबके नाम के आगे लिखा है जी सर। नहीं मिलेगा, पैसा जमा करना पड़ेगा। सबके में 50,000 रुपए जमा करिए,
स्टे कंटिन्यू होगा, सब जगह